बदतमीज सचिव जी, रुकिए हम आ रहे हैं। जय हिंद। और कैसा रहा आपका यात्रा? अच्छा रहा मैम, बस थोड़ा सड़क गड़बड़ था, और आपको मेरी बीमारी के बारे में तो मालूम है। अभी आपको एक दिन यहाँ पे आना पड़ा, हालत खराब हो गया। कभी सोचा इन लोग के बारे में? जरूर यहाँ पे आते हैं। राजधानी में रह के ना आप सबका चमड़ा मोटा हो गया है, लेकिन भूलिए मत, जैसे दिल्ली भारत नहीं है, वैसे ही बिहार केवल पटना नहीं है। खैर बताइए, यहाँ पे आने का अनुभव से क्या शिक्षा मिला आपको? हो जाएगा मैडम, अगले बरस जब आप आएंगे तो रोड पक्का मिलेगा। कछुआ का चाल छोड़िए और जल्दी से सड़क बनवाइए, नहीं तो महीने में 4 बार बुलाएंगे यहाँ पे मीटिंग के लिए। बाबा सिर का ऑपरेशन के लायक भी नहीं रहिएगा। चलिए, कहते हैं सत्ता और पावर लोगों को बदल देती है, लेकिन ये बात रानी भारती पर लागू नहीं। ना तो सत्ता उन्हें बदल पाई है और ना ही करप्ट कर पाई है। बिना किसी मीडिया के तामझाम के वो अपने खेतों में काम करने आई है, और सरकार के काम में हर्ष ना हो इसलिए उन्होंने सचिवों की बैठक यहीं पर बुलाई है। आइए उनसे बात करते हैं। रानी जी, सबसे पहले आपको बताएं, आपका मुख्यमंत्री के रूप में कुछ लोगों के अनुसार एक सफल और कुछ के अनुसार एक नाकाम साल पूरा हुआ। आपके राजनीतिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सीएम बन के आप बिल्कुल भी नहीं बदले। अरे भाई, कितना तो बदल गए हैं। पहले मेहनत मजदूरी ज्यादा करते थे, अब सब बंद हो गया है तो मोटा गए। हाँ, लेकिन बदलने से आपका मतलब बिगड़ना है तो ना? बिगड़े नहीं है रानी जी। आपके बारे में कहा जाता है कि आप चवन्नी मुख्यमंत्री हैं, बाकी 12 आना सीएम तो आपके पति भीमा भारती हैं। वो जेल से ना सिर्फ रैली संबोधित करते हैं, बल्कि प्रॉक्सी तरीके से सरकार भी चला रहे हैं। अब पति पत्नी की इस खींचतान में सारी विकास योजनाएं ठप हो गई, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बहन, तुम ना उपन्यास अच्छा लिखोगी, वही कहे नहीं लिखती। लेकिन क्या ये सच नहीं कि आपकी सरकार बड़े फैसले लेने से डरती है, क्योंकि आपकी पार्टी और भीमा बाबू उसका समर्थन नहीं करते? जैसे वर्मा कमीशन का रिजर्वेशन बिल, अलग झारखंड राज्य की मांग, महिला आरक्षण का भी लंबी लिस्ट है। देखिए, ये बहुत बड़ा बड़ा विषय है, पहले हम खुद ठीक से समझ लें, उसके बाद समय आने पे करेंगे फैसला। लाओ चाची, हमको दो। हेलो, रानी जी, आखिरी बार आप भीमा बाबू से कब मिली थी? 8 महीने पहले, जब वो जेल गए थे। उसके बाद नहीं मिली? नहीं। कभी मिलना चाहेंगी? रानी जी, सीएम होने के नाते भीमा बाबू को जेल भिजवाकर आप वो की जो आपका कर्तव्य था, लेकिन क्या पत्नी होने के नाते पति को जेल भिजवाने का दुख नहीं है आपको? वो सिर्फ आपके पति ही नहीं, आपके 3 मासूम बच्चों के पिता भी हैं। हमें मुख्यमंत्री और पत्नी दोनों के नाते अपने लिए हुए किसी भी फैसले पे कोई अफसोस नहीं है। कानून व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ करे, चाहे वो अपना हो या पराया, नेता हो या आम आदमी, मंत्री हो या संतरी, कानून का डंडा सब पे चलेगा। Now the moment has come. Let's see who's the winner. So Miss Patna is. Miss Patna is Miss Shilpa Agarwal.
कुछ मत नहीं भैया, चलिए आइडिया से चलिए। अरे दुलारी भैया, अरे अरे आप आए, मजा आ गया।